जय हिंद साथियों, आज हम सभी बात करेंगे मैक्स वेबर की नौकरशाही की। इसमें प्रमुख रूप से हम लोग देखेंगे इसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है और नौकरशाही में विशेषताएं क्या होनी चाहिए। साथ में बहुत सारे विद्वान हैं जो नौकरशाही के संबंध में बात करते हैं। जैसे मैक्स वेबर स्वयं कहते हैं कि नौकरशाही आयरन केज की तरह है, इसी तरह रॉबर्ट मिसल्स कहते हैं नौकरशाही आयरन लॉ ऑफ ओलिग्रेसी है, पार्किंसन लॉ की बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी के संबंध में, एल्विन गाउडनर तीन प्रकार के अलग नौकरशाहियों की बात करते हैं। तो वो सारी चीजें देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन क्या जो नौकरशाही हम लोग देखते हैं जो सिविल सर्विसेज है, क्या इतनी ही नौकरशाही है? नहीं, इतनी नौकरशाही नहीं होती। नौकरशाही इससे थोड़ा सा बृहद चीज है। और एक होता है सिस्टम। अब सिस्टम, जैसे जैसे कोई भी इंस्टीट्यूशन का सिस्टम बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमें उसमें तार्किकता लानी पड़ती है जिससे उसे आसानी से चलाया जा सके। और आज ही नहीं, प्राचीन काल से लेकर के अगर आज तक की बात करें तो किसी ना किसी रूप में नौकरशाही देखने को मिलती है। अगर शाब्दिक अर्थ की बात करी जाए तो नौकरशाही जो है ब्यूरो और क्रेसी दो शब्दों से मिलकर के बना है। ब्यूरो का तात्पर्य होता है फ्रेंच भाषा में डेस्क, और क्रेसी का मतलब होता है लैटिन भाषा में शासन, यानी कार्यालय का शासन। कोई भी इंस्टीट्यूट जहां चल रहा होता है वहां पे कार्यालय के कुछ अधिकारीगण होते हैं और वो एक साथ बैठते हैं, तो उसे कहते हैं कार्यालय का शासन। और ये शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, उसमें प्रमुख रूप से विसेंट डी गोर्ने का नाम लिया जाता है जो कि फ्रांस के थे, और इन्होंने नौकरशाही को नकारात्मक संदर्भ में प्रयोग किया था और कहते थे इस समय फ्रांस में एक बीमारी बढ़ गई है जिसे ब्यूरोमेनिया का नाम दिया। तो खैर, ये नकारात्मक संदर्भ में बात करते हैं, जबकि मैक्स वेबर इसे सकारात्मक मानते हैं और कहते हैं तार्किकता पर आधारित होती है, उसको आगे देखेंगे। तो नौकरशाही किसी भी संस्थान को जब कोई कार्यालय या अधिकारीगण चलाते हैं तो वह व्यवस्था क्या कहलाती है, नौकरशाही कहलाती है। और इस नौकरशाही के गुण क्या होते हैं, तो यह एक ऐसी प्रणाली है यानी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें विशेषज्ञता होती है, कार्यालय के लिए निश्चित उद्देश्य होते हैं तथा जो कार्यालय में व्यक्ति काम कर रहे होते हैं उनके लिए योग्यता होनी चाहिए कि उस पद के अनुरूप वो काम कर पाए। साथ में कार्यवाही के निश्चित नियम होते हैं, यानी नियम जो होते हैं वो लिख दिए जाते हैं पहले से, और पदों में सोपानीयता बनी रहती है, हायरार्की होती है, उच्च पद और निम्न पद। तो ये सारी चीजें जिसमें विद्यमान होती हैं तो वह नौकरशाही कहलाती है। अब नौकरशाही को हम लोग अगर देखें तो ब्यूरोक्रेसी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ गवर्निंग एनी लार्ज इंस्टीट्यूशन। जैसे जैसे हम कोई भी संस्था को आगे बढ़ाते जाएंगे वहां नौकरशाही आती जाएगी। चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में देखें, विश्वविद्यालय, तो वहां एक अपनी एक अलग प्रकार की नौकरशाही है, ऊपर से नीचे तक लोगों के कार्य बटे हुए हैं। तो जैसे जैसे आपका जो है कोई भी संस्था या सिस्टम बढ़ेगा वैसे वैसे नौकरशाही की वहां पर आवश्यकता पड़ेगी। तो मैक्स वेबर जो है वो सत्ता के तीन प्रकारों की बात करते हैं, और सत्ता के तीन प्रकार में उन्होंने एक परंपरागत सत्ता बताई थी, दूसरा करिश्माई सत्ता बताई थी, और तीसरा तार्किक सत्ता या विधिक सत्ता बताई थी। और जो विधिक सत्ता बताई थी उसी का आदर्श प्रारूप की अगर बात करें तो वह नौकरशाही को बनाया उन्होंने, कि जो विधिक सत्ता होती है उसमें कौन कौन से गुण हो तो उन गुणों को वो विशेषताओं के रूप में रखते हैं और उसका आदर्श प्रारूप बनाते हैं। और ये काम वो कहाँ पे करते हैं, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक में उन्होंने इसके संबंध में व्यापक चर्चा की है। वास्तव में नौकरशाही प्राचीन काल से लेकर के आज तक चली आ रही है, जो कि आज वैधानिक नौकरशाही के रूप में अपने आप को ज्यादा रूप से तार्किक महसूस करा पाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि परंपरा नौकरशाही यानी परंपरा की रक्षा के लिए जो काम किए जाते थे उसे हम पारंपरिक नौकरशाही कहते हैं। वैदिक काल, विशेषकर बात करें ऋग्वैदिक काल में, तो एक मुखिया होता था, फिर उसके ऊपर ग्रामिक होता था, ग्रामिक के ऊपर बृहस्पति होता था, बृहस्पति के ऊपर गोप तथा गोप के ऊपर फिर राजा होता था। लेकिन खैर, इस व्यवस्था को नौकरशाही नहीं माना गया, लेकिन इस प्रकार की कुछ नौकरशाही से मिलती जुलती एक व्यवस्था हम देख सकते हैं। लेकिन जो नौकरशाही का वास्तविक रूप है, तो चीन में जब हान वंश था, चीन का हान वंश, वहां पर नौकरशाही देखने को मिलती है, और रूस में भी परंपरागत नौकरशाही हमें देखने को मिलती है। भारत में अगर बात करें तो जो मध्यकालीन भारत था, जब मुगलों का राज्य था, तो मनसबदार वगैरह वाली जो प्रथा थी, तो वहां पे भी एक नौकरशाही का रूप देखने को मिलता है। अगला यह है कि अभिभावक नौकरशाही। अभिभावक का नौकरशाही का मतलब जो है कि जो राजा होता है वह ऊपर से ही धीरे धीरे लोकतंत्र के विकास के लिए ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करता जाता है जिससे वहां पे लोकतंत्र का
विकास हो सके उसे अभिभावक नौकरशाही कहते हैं। इसमें बेस्ट एग्जाम्पल नेपाल का हम दे सकते हैं, नेपाल के राजा ऐसा करते हैं। अगला है सरपरस्त नौकरशाही, जिसे कहते हैं पैट्रोनेज, और पैट्रोनेज का मतलब है सरकार अपने हितों को ध्यान में रखकर नौकरशाही का विकास करती है, जैसे अमेरिका। ठीक है, तो देखने में आया कि जो नौकरशाह होते हैं इनमें गुण या योग्यता ज्यादा महत्वपूर्ण हो कि इनके स्वामी भक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण हो। तो जो स्वामी भक्ति को लेकर के आते हैं, यानी योग्यता भले कम हो नौकरशाहों की लेकिन सरकार के प्रति उनकी वफादारी ज्यादा हो, तो ऐसी नौकरशाही को क्या बोलते हैं, सरपरस्त नौकरशाही कहते हैं, और ये अमेरिका में प्रचलित है। इसी तरह से अवार्ड नौकरशाही, अवार्ड नौकरशाही में सामान्यतः पूंजीपति समाजों में ये देखने को मिलती है, जैसे ब्रिटिश भारत में इस प्रकार की नौकरशाही थी, जो चाटुकारिता ज्यादा करता था उसे वहां पे नौकरशाही में स्थान मिल जाता था। अगला है आज की जो नौकरशाही, जिसे हम कहते हैं वैधानिक नौकरशाही या लोकतांत्रिक नौकरशाही, तो यह तार्किकता के आधार पर होती है। आपको कोई एग्जाम वगैरह ऐसा कोई पैटर्न होगा, लिखित कोई नियम होंगे, उनके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। नियमबद्धता होगी तथा सोपानीयता की व्यवस्था होगी और एक क्रमबद्धता होगी, तो इसे हम कहते हैं वैधानिक नौकरशाही। और इसी वैधानिक नौकरशाही की आज हम लोग विशेषताओं की बात करते हैं। और देखने में आता है जो मैक्स वेबर हैं, वो अपनी सत्ता की अवधारणा में जब तीन प्रकार की सत्ता की बात करते हैं, परंपरागत, करिश्माई और वैधानिक, तो इसी वैधानिक सत्ता में वो नौकरशाही की विशेषताओं को लेकर के आते हैं और इस प्रकार से उसका आदर्श प्रारूप वो बनाते हैं। बात करें नौकरशाही की विशेषताओं की, तो उसमें प्रमुख रूप से प्रशासनिक वर्ग पाया जाता है, जैसे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी के ऑफिसर्स होते हैं, और इन ऑफिसर्स में इनके कार्य के आधार पर, इनकी योग्यता के आधार पर, इनके अधिकार और कर्तव्यदायित्व के आधार पर उसमें भेद किया जा सकता है, जैसे ए का अलग कार्य होगा, बी का अलग होगा, इस प्रकार से क्लास में बटे होते हैं। दूसरा, पद सोपानीयता होती है, यानी हायरार्की पाई जाती है, ऊपर से नीचे तक की एक व्यवस्था होती है, जैसे आपका एक जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, उसके ऊपर डिविजनल कमिश्नर होता है, उसके ऊपर जो है स्टेट सेक्रेटरी होता है, और उसके नीचे एसडीएम हो गया, उसके नीचे तहसीलदार हो गया, उसके नीचे पटवारी हो गया, एक मतलब हायरार्किकल व्यवस्था होती है और ऊपर से नीचे तक की व्यवस्था होती है, और प्रत्येक जो है अपने ऊपर वाले के देखरेख में काम करता है, इस प्रकार से यह चलता है। और कार्यों का विभाजन होता है, प्रत्येक स्तर पर क्या होता है, डिवीजन ऑफ वर्क पाया जाता है, हर एक स्तर पर एक अलग काम होगा, डिस्ट्रिक्ट के है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग काम करेगा, तहसील लेवल पे अलग काम होगा, तो ये कार्य का विभाजन इसमें पाया जाता है। और साथ ही व्यवसायिक योग्यता होती है, यानी जो भी कर्मचारी यहाँ पे होंगे वो उनमें वैसी योग्यता, उनकी ट्रेनिंग ऐसी दे करके उनको काम पे रखा जाता है, यानी वो उस कार्य को करने के योग्य होने चाहिए। अगला है नियम व प्रक्रिया, यानी संगठन में किसी व्यक्ति को ऐसे ही हम अंदर नहीं लग सकते, उसके लिए एक प्रॉपर एक नियम बनाएंगे, उसकी एक प्रक्रिया होगी, उस आधार पर उनको जो है नौकरशाही में भर्ती की जाती थी, तथा काम करने की पद्धति को स्पष्ट रखा जाता था कि आपको काम कैसे करना है। साथ में इसमें क्या पाया जाता है, अवैयक्तिक संबंध, यानी इम्पर्सनल होती है, व्यक्तिगत संबंधों का भाव नहीं होता, यानी लिखा पढ़ी में सारे काम होते हैं, कि आपको कोई परमिशन लेनी है तो आप डायरेक्ट मुझसे पूछ करके नहीं, पूछने के साथ साथ आप एक रिटन साइन उसमें करें, तो लिखित दस्तावेजों से पूरी व्यवस्था का संचालन होता है। अगर लिखित दस्तावेज नहीं होंगे तो बाद में जाकर के वहां विसंगतियां आ जाएंगी, जो बड़े लेवल पे लोग पहुंच जाएंगे तो अपने हिसाब से पूरा नियम ही बदल देंगे, तो हर चीज को लिख करके रखा जाता था, यानी प्रशासनिक कार्य कैसे करना है, निर्णय क्या लेने हैं, ये सारे चीज नियम लिखित रूप से होते थे, और ये दस्तावेज प्रशासन के और लोगों को उत्तरदायी बनाते थे कि भाई आपको ऐसे ही काम करना है, अपने मनमर्जी से काम नहीं करना है। अगला, इसमें पदोन्नति और वेतन भत्ते तथा भर्ती के नियम भी स्पष्ट कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से नौकरशाही की विशेषताएं प्रमुख रूप से देखी जा सकती हैं। यदि बात करें नौकरशाही के कार्य की क्या है, तो कार्य में जैसे जैसे आधुनिकता आई, जैसे जैसे मॉडर्निटी आई, वैसे वैसे जो इंस्टीट्यूशन थे, जो संस्थाएं थी, उनका ऑर्गेनाइजेशन था, वो धीरे धीरे उनका अलग रूप आया और फिर नौकरशाही के काम भी बदलते गए। तो आधुनिकता आने के बाद कार्य संगठन में बदलाव हुआ, यानी वर्क ऑर्गेनाइजेशन बदला, और जिसके परिणाम स्वरूप सिस्टमैटिक काम करना प्रारंभ हो गया। पहले हम कोई कंपनी खोलते थे तो अपने घर वालों को रख लेते थे, लेकिन अब वो उसका विस्तार हो रहा, तो आप कितने दिन तक अपने घर वालों को रखेंगे, उसमें अगर योग्यता नहीं होगी तो आपकी कंपनी नीचे चली जाएगी या आपका सिस्टम नीचे चला जाएगा, तो उसके लिए हमें सिस्टमैटिक काम करने की जरूरत हुई।
ऑर्गेनाइज फॉर्म में काम करना था, हर व्यक्ति के अलग काम और कर्तव्य इसको पता होने चाहिए थे, है ना। रेशनलिटी आई यानी तार्किकता के आधार पर काम किया जाएगा। तो इस प्रकार से नौकरशाही के काम में भी बदलाव आया। और साथ में नौकरशाही करती क्या है, पहला तो ये कानून को लागू करती है, दूसरा ये कानून को बनाती भी है, कानून का निर्माण करने में सहायता करना। जैसे नेतागण होते हैं वो कोई प्लान लाते हैं और उसकी घोषणा करते हैं, लेकिन उसको बनाने के वाले कौन होते हैं, तो हमारे नौकरशाह होते हैं, जो हमारे आईएएस ब्रेन होता है वो काम करता है उसके पीछे। तथा ये नौकरशाही क्या करती है, व्यवस्था में स्थिरता लाती है और स्थिरता के साथ साथ उसमें निरंतरता को बनाए रखती है। तो यह महत्वपूर्ण काम हो गए नौकरशाही के। नौकरशाही में अगर कमियों की बात करी जाए तो केवल गुणों के साथ साथ इसमें कमियां भी देखने को मिलती हैं। जैसे इसमें कार्य कुशलता से अधिक किस पर ध्यान दिया जाता है, प्रक्रियाओं पर महत्व दिया जाता है। यानी अगर काम की कोई दक्षता अच्छे तरीके से हो सकती है, बिना साइन सिग्नेचर के हो सकती है, तो बिना साइन सिग्नेचर के कोई भी काम आगे ही नहीं बढ़ता, फाइलें रुकी रहती हैं, जिसे ही हम लोग लाल फीताशाही कहते हैं। और ये लाल फीताशाही क्यों आती है पता है, क्योंकि नौकरशाही व्यवस्था में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो अति योग्य होते हैं और दूसरा अति अयोग्य होते हैं। और ये जब दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं तो काम रुकना शुरू हो जाता है। यानी अति योग्य कौन, आईएएस ऑफिसर, अति अयोग्य कौन, हमारे नेतागण। तो इन दोनों का मिक्सचर लाल फीताशाही को जन्म कर देता है। अगला है नियमों और विनियमों का पालन करना अक्सर कठिन हो जाता है। बहुत बड़े बड़े नियम होते हैं और वो नियम आम जनमानस से थोड़ा सा दूर होते हैं, उनकी समझ में वो नहीं आते, कोई ना कोई कैविटी निकाल करके उनके ऊपर समस्याएं खड़ी कर दी जाती हैं जो नहीं जानता है। तो कह सकते हैं कि अनावश्यक औपचारिकता इसको एक इसके नकारात्मक गुण को दर्शाती है। तथा ये अपने प्रभाव क्षेत्र का लगातार विस्तार करने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिसे ये पार्किंसन ला कहते हैं। आगे पार्किंसन के बारे में और आगे बताएंगे। साथ में मानवीय व्यवहार की इसमें उपेक्षा की जाती है, यानी कोई आप किसी की मदद भी करना चाहें तो बिना आप नियमों के नहीं कर पाते हैं, उसमें अधिकारियों के हाथ बंधे हुए होते हैं। नौकरशाही में के संबंध में कुछ विद्वान हैं, जैसे मैक्स वेबर कहते हैं कि नौकरशाही आयरन केज होती है, यानी लोहे का पिंजरा होती है। और लोहे का पिंजरा का मतलब अतिरेशनलिटी, यानी तार्किकता बहुत ज्यादा जब आती है तो व्यक्ति का जो स्वाभाविक उन्नति होती है वह उस पर काम नहीं कर पाती। इसलिए कहते हैं कि समाज में अत्यधिक तार्किकता आने के कारण उसका स्व का व्यक्तित्व का उस प्रकार से विकास नहीं हो पाता है। रॉबर्ट मिशेल बोलते हैं आयरन लॉ ऑफ दी ओलीग्रेसी, यानी कुलीन तंत्र का लौह नियम। और इसका मतलब यह है कि जब ऊंची सत्ता पर कुछ लोग बैठ जाते हैं एक बार, तब ये क्या करते हैं, अपने जुगाड़ का प्रयोग करके, अपनी प्रभाव का प्रयोग करके ये दूसरे को नहीं आने देते। और इसी को कहा गया है अल्पतंत्र का लौह नियम, यानी एक बार जो अगर ऊंची सत्ता पर पहुंच गया तो फिर किसी और को आने नहीं देता। आगे है आर के मल्टन, इसके संबंध में कहते हैं कि लेटर ऑफ लॉ है, यानी केवल नियमों पर आधारित है, इसमें कोई स्प्रिट नहीं होती है, यानी जो लिखा है वही करना है, कोई अपने मन से अगर कुछ करना चाहे तो ऐसा वहां पे नहीं कर सकता। और जिसके कारण लक्ष्यों का विस्थापन हो जाता है, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ गोल हो जाता है। हम करना तो कुछ और चाहते हैं, हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना है, लेकिन नियम ऐसे हैं कि हम उन नियमों के द्वारा वहां तक नहीं पहुंच पाते, तो हम गोल से भटक करके नियमों पर फंसे रह जाते हैं कि हमें नियम सही करते रहना है, ठीक है। तो हम गोल तक ना पहुंच करके नियमों में फंस जाते हैं। अगला है प्रशिक्षित अक्षमता होती है। कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं जिनके लिए ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है, तो वहां पे ये समस्या खड़ी हो जाती है। तो मैक्स वेबर इस प्रकार से आलोचना करते हैं नौकरशाही की। साथ में मोस्का भी कहते हैं कि सामान्य नागरिकों के हितों की बजाय अभिजनों के हितों का संरक्षण करती है, यानी इसमें ऐसे नियम कानून होते हैं जो सामान्य जन तक नहीं जानकारी होती है। और इसका फायदा कौन उठाता है, ऊंचे वर्ग के लोग उठा लेते हैं और नीचे वाले नहीं उठा पाते हैं। आगे हैं कोजेर कहते हैं कि यह लाल फीताशाही है, यानी रेड टाइपिज्म है, हमने आपको बताया। अति योग्य लोग इसमें होते हैं और अति अयोग्य लोग होते हैं, दोनों के मिक्सर के कारण फाइलें हमारी एक टेबल से दूसरी टेबल तक जाती रहती हैं और काम रुका रहता है, उसी को लाल फीताशाही कहते हैं। रिटिजर इसके बारे में बात करते हैं और कहते हैं मैकडोनाल्डाइजेशन, यानी तार्किकता की बात करते हैं। पार्किंसन कहते हैं, और पार्किंसन के नाम से एक लाभ ये है कि नौकरशाही में स्वविस्तार का गुण होता है। पहले छोटे लेवल पे लोग जाते हैं और फिर धीरे धीरे अपने आप को बड़ा करते रहते हैं। और बड़ा किन किन संदर्भों में करते हैं, शक्तियों में बड़ा करते हैं अपने आप को, तथा अपने आत्म कल्याण में भी वृद्धि करते हैं। वो बार बार ये चाहते हैं कि काम होता भी नहीं है
तो अधिकारी क्या चाहता है कि हमारे लिए असिस्टेंट ज्यादा से ज्यादा मिलते जाएं, जबकि काम उसका कुछ नहीं है। सब विस्तार का गुण नौकरशाही में पाया जाता है, कार में, शक्तियों में, आकार में, और ये चाहता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा काम मिले, हमें ज्यादा से ज्यादा उत्तरदायित्व मिले, भले वह कर्तव्य कर पाए कि ना कर पाए, लेकिन स्वविस्तार का गुण नौकरशाही में देखने को मिलता है, और इसी को कहते हैं पार्किंसन लॉ। आगे है एल्विन गाउडनर भी माइंस की स्टडी करे थे, उन्होंने खनन में जाकर के अध्ययन किया और पाया कि तीन प्रकार की नौकरशाही होती है। इनकी प्रमुख पुस्तक का नाम है स्टडी इनसाइड इंडस्ट्रियल माइंड, और तीन प्रकार की नौकरशाही की बात करते हैं जो परीक्षाओं में भी यह प्रश्न आता है एल्विन गाउडनर को लेकर के। नंबर एक नौकरशाही की बात करते हैं मॉक ब्यूरोक्रेसी, दूसरा रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी, और तीसरा बात करते हैं पनिशमेंट ब्यूरोक्रेसी की। तो इस प्रकार से विभिन्न विद्वानों ने नौकरशाही के संबंध में क्या कहा आपने देख लिया है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।